प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए गहलोत कैबिनेट की आज शाम को 5 बजे अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रदेश में कोविड-19 से उपजे हालातों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि राज्य में दिन प्रतिदिन बिगड़ते कोरोना के हालातों के चलते इस बैठक में लॉकडाउन जैसा बड़ा निर्णय लिया जा सकता है और इस बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। गहलोत कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में कोरोना काल में बिगड़ी सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य कर्मचारियों के वेतन पर भी सवाल उठा है। राज्य कर्मचारियों के वेतन में 1 या 2 दिन की कटौती पर आज बड़ा निर्णय हो सकता है। हालांकि कैबिनेट सचिवालय ने बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम 5 बजे होगी। इसके तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। गहलोत सरकार राज्य में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए इस बैठक में लॉकडाउन जैसा बड़ा निर्णय ले सकती है। तो वहीं सभी कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। इसके साथ ही जो मंत्री जयपुर में है वे CMR में बैठक में हिस्सा लेने जा सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत संकेत दे चुके हैं कि 18 से 44 उम्र के युवाओं को फ्री में वैक्सीनेशन लगाने के लिए सरकार पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का भार है। ऐसे में सरकार के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में विधायकों से विधायक फंड से 3 करोड़ तक देने का आग्रह भी किया था। मुख्यमंत्री ने दानदाताओं, भामाशाह और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी दान देने की अपील की थी। अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों के 1-2 दिन के वेतन कटौती के निर्णय पर मुहर लगा सकते हैं। कोरोना काल की पहली लहर में भी गत वर्ष सरकार ने कर्मचारियों का वेतन काटा था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में काटे हुए वेतन देने की घोषणा की थी। यदि सरकार वेतन कटौती करती है तो सरकारी खजाने में करीब 1,500 करोड़ रुपए बच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।